नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। देखिए, कुछ ही दिनों बाद नया वर्ष आने वाला है और सभी लोग ये जानने को इच्छुक होते हैं कि उनका नया वर्ष किस प्रकार का रहने वाला है। तो मैं आपको आपकी राशि अनुसार ये बताने का प्रयास करूंगा कि आपका जो आने वाला वर्ष है वो किस प्रकार रहेगा। और ये वार्षिक राशिफल जो मैं बताने वाला हूँ वो 7 बिंदुओं पर डिपेंड करेगा, यानी 7 बिंदु को लेकर मैं आपको आपका राशिफल बताऊंगा। वो बिंदु कौन कौन से होंगे? व्यवसाय, धन संपत्ति, घर परिवार, स्वास्थ्य, यात्रा और तबादला, परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षा, धार्मिक कार्य तथा उपाय। इन्हीं 7 बिंदुओं के ऊपर मैं आपको पूरा वार्षिक राशिफल देने वाला हूँ। तो इसी कड़ी में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कर्क राशि के बारे में। आपने शायद देखा होगा मेरे जो पिछले 3 वीडियो थे वो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में था। आज मैं आपको कर्क राशि के बारे में बताने वाला हूँ और मेरे आने वाले वीडियो बाकी की जो राशि है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं व्यवसाय की। तो व्यावसायिक दृष्टि से देखा जाए तो ये वर्ष आपको कुछ कठिनाइयों भरा हो सकता है, आपके लिए कुछ कठिनाइयों भरा हो सकता है तथा साथ ही आपके द्वारा लिए गए निर्णय गलत साबित हो सकते हैं। तो आपको निर्णय लेते समय ध्यान रखना है कि आपका निर्णय कहीं गलत ना हो जाए, जिसके चलते आपकी परेशानी बढ़ सकती है। और जाहिर है जब निर्णय गलत होते हैं तो परेशानी तो बढ़ती ही है, लेकिन मार्च आते आते इन सभी परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन आपके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि मार्च आते आते ये सारी परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा और व्यापार के क्षेत्र में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से आपकी मित्रता हो सकती है, हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाए जो बहुत ही प्रभावशाली हो। हो सकता है आपको कोई नई जिम्मेदारी भी मिल जाए जहां पर आप काम करते हो, या आपके घर में भी आपको किसी प्रकार की नई जिम्मेदारी मिल सकती है। मकान तथा भूमि संबंधी कार्यों में रुकावट आ सकती है, यानी अगर आप मकान खरीदना या बेचना चाहते हो या भूमि खरीदना या बेचना चाहते हो तो इसमें किसी प्रकार की रुकावट आ सकती है जिसे आप आसानी से दूर भी कर लेंगे। ऐसा नहीं कि वो जो रुकावट है या जो परेशानी है वो दूर नहीं होगी, आप इसको आसानी से दूर कर लेंगे। यदि आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं तो आपके द्वारा पहले किए गए कार्यों की वजह से प्रतिष्ठा तथा पद की प्राप्ति के संकेत मिलते हैं। यानी आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं तो जो आपने पहले काम किए हैं, यानी आपने जो पिछले टेन्योर में जो आपने काम किए होंगे, इसकी वजह से इस वर्ष भी आपको उसमें प्रतिष्ठा और सम्मान मिल सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम धन संपत्ति की। तो आर्थिक आधार पर देखा जाए तो इस वर्ष आपको कोई स्थायी संपत्ति मिलने के योग बन रहे हैं। हो सकता है कि आपके जो पापा हैं वो आपको अपने घर से या आपकी जो जमीन है उसमें से आपको आपका भाग दे दे, ये हो सकता है, या किसी और प्रकार से स्थायी संपत्ति आपको मिल सकती है तथा साथ ही शेयर मार्केट में भी आपको अत्यधिक सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। तो अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपके लिए ये साल बहुत ही लाभदायक हो सकता है। चलिए बात कर लेते हैं हम घर परिवार की। तो मई जून तथा नवंबर दिसंबर में के महीने में मांगलिक कार्य या विवाह होने की संभावना है। यानी हो सकता है वो आपके घर में हो या आपके खास रिश्तेदार में इस प्रकार का कोई मांगलिक कार्य या विवाह हो सकता है जिसके कारण परिवार में खुशी का वातावरण बना रहेगा। जाहिर है कि इस प्रकार के कोई मांगलिक कार्य होते हैं तो खुशी का वातावरण तो घर में रहता ही है तथा साथ ही परिवार के रुके हुए मांगलिक कार्य भी पूर्ण होंगे। हो सकता है कोई बहुत दिनों से कोई काम ऐसा डिले पड़ा है जो मांगलिक कार्य है, या कोई शादी कोई डिले चल रही हो तो वो भी इस वर्ष होने की पूरी पूरी संभावना है। चलिए बात कर लेते हैं हम स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये वर्ष ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस वर्ष आपको संक्रमण रोगों से कष्ट होने की संभावना है। यानी क्योंकि वैसे भी आपको मालूम है कि कोरोना का दौर चल ही रहा है तो आपको संक्रमण से विशेष ध्यान आपको रखना है। शुगर तथा बीपी की समस्या भी आपको परेशान कर सकती है, तो इस प्रकार आपको इन चीजों से बच के रहना पड़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं यात्रा और तबादले की। यदि आप नौकरी पेशा है तो आपका स्थानांतरण हो सकता है, यानी कि आपका ट्रांसफर कहीं और हो सकता है, और लंबे समय से रुके हुए कार्य पूर्ण होने के और लंबे अवकाश पर का सुख आपको इस वर्ष प्राप्त हो सकता है। यानी कि मतलब बहुत समय से अगर कोई काम आपके रुके होंगे तो वो भी पूर्ण हो जाएंगे और आप किसी लंबे अवकाश पर, यानी कि लॉन्ग जो वेकेशन होता है उसके ऊपर आप कहीं जा सकते हैं, जिसके कारण आपका विदेश दौरा भी हो सकता है। हो सकता है आप ऐसे कोई किसी फर्म में ऐसे किसी जगह नौकरी करते हो जहां पर विदेशों से लेन देन होता है, तो हो सकता है आपकी कंपनी ही आपको विदेश दौरे पे भेज सकती है। चलिए बात कर लेते हैं परीक्षा और प्रतियोगिता की। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो इस वर्ष आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ही परिश्रम करना होगा। मतलब आपको परीक्षा में या प्रतियोगिता परीक्षा में तभी सफलता मिलेगी जबकि आप बहुत ही मेहनत करें, तभी जाकर आप सफल होंगे।
कुछ स्थानों पर आपको सफलता भी मिलेगी, यानी कि जरूरी नहीं कि आप हमेशा बहुत ही कड़ी मेहनत करें तभी आपको सफलता मिलेगी, कभी कभी आपको छोटी मेहनत करने पर भी सफलता मिल जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं धार्मिक कार्य या उपाय की, यानी कि इन सभी चीजों को अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको क्या उपाय करना पड़ेगा। तो आपको मोती तथा लहसुन या रत्न धारण करना आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। प्रत्येक सोमवार को शिव जी की आराधना तथा गुरु मंत्र का जाप करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। यानी आप चाहते हैं कि आपको हर क्षेत्र में सफलता मिले तो आपको एक तो अपने गुरु मंत्र का जाप करना होगा, दूसरे ही हर सोमवार को शिव जी की आराधना, चाहे तो आप उनके ऊपर जल डालकर कर सकते हो या फिर उपवास करके कर सकते हो, जिस प्रकार से भी आपको करना है उनकी आराधना कर सकते हो। वृक्षारोपण करना भी आपके लिए फलदायी होगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नई राशि यानी कि सिंह राशि की बात करेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।